लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। उतरौला तहसील में अक्टूबर माह में आई भीषण बाढ़ का असर अब भी दिखने को मिल रहा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़कों, पुल व पुलिया की हालत दयनीय हो गई है। कई जगहों पर सड़कें, पुल व अप्रोच मार्ग बाढ़ के पानी में बहकर समाप्त हो चुके हैं। इससे लाखों की आबादी को आवागमन में दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। बताते चलें कि अक्टूबर माह में आई भीषण बाढ़ ने फसलों के साथ सड़कों, पुल व पुलिया को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हाशिमपारा से महुआ धनी मार्ग पर बने पुल व अप्रोच मार्ग बाढ़ के पानी में बह जाने से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आ और जा रहे हैं, जोखिम में डालकर आते जाते हैं। बड़े वाहनों का आगमन पूरी तरह से बंद है। स्थानीय ग्रामीण आदित्य कुमार मौर्य, विक्रम यादव, दद्दू प्रसाद आदि लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के उदासीनता के कारण हर साल बारिश के मौसम में आने वाली बाढ़ के पानी से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ आ जाने पर प्रशासन द्वारा एक नाव की व्यवस्था करा दी जाती है, जिसके सहारे लोग अपनी जरूरतों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ आते और जाते हैं। इस पुलिया के निर्माण की मांग स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से की है, मगर लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। R9 भारत उतरौला से वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।